तो हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो अपनी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली। स्पेशल कैसे है, ये है रॉयल इनफील्ड की जे सीरीज बुलेट, जिसका अपन लोग टेल चेंज करने वाले हैं आज। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, भैया इसका टेल चेंज कर दो, एंड टेल इसका वाकई बहुत ज़्यादा गंदा है। स्टैंडर्ड की एक भी लुक मतलब नहीं आती इसमें। तो स्टैंडर्ड की फील कराने के लिए अपन ने लिया इसका एक टेल प्लेट जो कि स्टैंडर्ड की आती है, एंड अपन इसका एक टेल का पीछे का माउंट जो कि ये है, एंड टेल माउंट अपन इस पे मडगार्ड पे बिठा के देखते हैं। जैसे अपन ने क्लासिक में बिठाया था, अपन ने टेल इसका पुराना वाला खोल दिया है, एंड इस मडगार्ड पे अपन ये न्यू वाला जो टेल मतलब जो अपन ने लिया स्टैंडर्ड का वो बिठा के देखते हैं कि बैठता कि नहीं बैठता। तो मेरे हिसाब से गाइस ये नहीं बैठेगा, क्योंकि मडगार्ड काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया है कंपनी वालों ने। तो ये मडगार्ड ना यार बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, क्योंकि ये मडगार्ड का लुक है ना थोड़ा सा ऐसे ऊंचा ऊंचा सा गंदा सा लुक आएगा। तो गंदा सा लुक नहीं चाहिए भाई स्टैंडर्ड वालों को। तो स्टैंडर्ड की जो लुक है ना वो ओल्ड वाले मडगार्ड में आती है। तो अपन इसका एक काम करते हैं, इसको रिमूव ही करते हैं पूरे मडगार्ड को, एंड जो मडगार्ड ओल्ड वाला है ना वो बैठाने की कोशिश करते हैं कि वो बैठता है कि नहीं बैठता। तो आज अपन ने ये टास्क ले लिया है, एंड इस टास्क पे अपन काम करेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक जुड़ देना, कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, एंड इसमें थोड़ी सी वेल्डिंग की हेल्प भी होगी, एंड इसकी फ्रेम मतलब ओल्ड से एंड न्यू में पूरा चेंज कर दिया कंपनी वालों ने, तो पार्ट टू पार्ट तो रिप्लेसमेंट होता भी नहीं है। तो अपन ये काम करते हैं, इसकी स्टे है ना वो अपन ये ओरिजिनल वाली रखते हैं। तो स्टे अपन ओरिजिनल वाली रखेंगे गाइस, एंड टेल लैम्प मतलब ये जो कि ये लाइट अपन लगाने वाले हैं पीछे की तरफ, एंड मडगार्ड ने अपन ने ले लिया ये वाला जो जेन्युइन इनफील्ड का आता है ना ओल्ड मतलब स्टैंडर्ड वाला। तो अपन आ चुके हैं अपने बैसा की शॉप पे, थोड़ा सा क्या सेट करने के लिए। तो अपने स्टे लगा दी है, स्टे पे अपन इसी स्टे पे वो मडगार्ड बिठाएंगे। तो स्टे पे आई होप ये मडगार्ड बैठ जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा भी। तो ऐसा कुछ लुक करने वाले हैं इस बाइक में, तो ऐसा कुछ लुक आएगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ ही जाएगा। तो ये वाली नंबर प्लेट अपन ने इंस्टॉल कर ली, पूरी लगा दी है, एंड मडगार्ड अपन ने लगा दिया है। तो अब इस मडगार्ड का सबसे मेन रोल है फिटिंग की प्रोसेस। तो फिटिंग की प्रोसेस क्या होती है, इस मडगार्ड में सबसे मेन जो चीज़ है ना गाइस वो है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट से आप काम करोगे ना तो मेरे हिसाब से एक्यूरेट आप भी लगा सकते हो। तो कुछ ऐसा बैठने वाला है, एंड अपन ने इस पे मडगार्ड को प्लेट भी कस दी है, एंड प्लेट को ऊपर नीचे भी करके देख लिया है। और इसमें मेजरमेंट का मैंने बताया गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब मेन रोल मेजरमेंट का ही है। तो मेजरमेंट आप एकदम सही से देखना, क्योंकि अपन भी इसमें जो होल करेंगे ना वो भी मेजर से ही कर रहे हैं, ताकि ये मडगार्ड एकदम सीधा दिखे पीछे से। तो वो क्या है थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेगा ना तो गंदा सा लगेगा, तो कुछ ऐसा ये लगने वाला है। एंड इसमें इस स्टेप पे लगाने के लिए अपन को ना दो होल मारने पड़ेंगे। तो दो होल अपन मार के इसको मतलब इस स्टेप पे 10 नंबर का बोल रहा था गाइस। ये जो पत्तियाँ जो भाई साहब वेल्ड कर रहे हैं ना, ये वेल्डिंग अपन को करनी ही पड़ेगी गाइस, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट ये गाइस फ्रेम का मतलब ये क्या चेसिस का पार्ट नहीं है, ये एक स्टे का है। तो स्टे पे अपन वेल्डिंग कर सकते हैं इजीली। बस वेल्डिंग करते टाइम पे आप लोगों को मतलब बैटरी की वायर ठानी वो तो नॉर्मल सी बात है, जो मैकेनिक करेगा वो जान जाएगा। तो गाइस मेरे हिसाब से लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ गई है, एंड सीटिंग पोर्ट सर मेरे साथ बढ़िया दिख रहा है, एंड ज़्यादा गंदी मिट्टी दिख रही है। तो गाइस मेरे हिसाब से बढ़िया से बढ़िया उसका लुक आ गया। तो आप देखो गाइस ये बाइक खड़ी है, तो पूरा इंस्टॉल। अब आगे का जो ब्रैकेट है ना वो अपन भी एक पत्ती बना के, वो ब्रैकेट जो ओल्ड में आता था ना पत्ती, वो पत्ती अपन ने लगाई इसमें, एंड अभी इसकी फाइनल फिटिंग करते हैं। फाइनल फिटिंग के लिए अपन ने इसमें, तो गाइस इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर अपन लोग ये भी बिठा सकते हैं, बट ये इंडिकेटर बिठाएंगे तो लुक नहीं आएगा, एंड इंडिकेटर ये और वाइट वाला लगाएंगे तो आगे वाला ऑरेंज रह जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, ये ऑरेंज कलर के जो क्लासिक इंडिकेटर आते हैं ना वो लगा देते हैं, तो दोनों सिमिलर से हो जाएंगे तो लुक आ जाएगा। क्योंकि आगे वाला इंडिकेटर में कस्ट कंपनी वालों ने थोड़ा जुगाड़ अलग किया, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे बाद में, एंड ये अपन बिठाते हैं इसमें। एंड फ्रेम के साथ अपन ने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गाइस, एंड वेल्डिंग फ्रेम पे भी नहीं की अपन ने, एंड सिर्फ वेल्डिंग की है तो अपन ने स्टे पे वेल्डिंग की है, स्टे पे ओनली स्टे मतलब जो ताण होती है उस पर। और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था कि काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाए बाइक को रेडी करने में, एंड जिनके पास बाइक है वो अपने मैकेनिक को दिखा के ऐसी बाइक बनवा सकता है, पीछे वाला टेल चेंज करवा सकता है। एंड ये एक वीडियो मतलब एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हो जाएगी, एंड आप काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिल जाएगी। तो गाइज़ कैसी लगी अपनी ये बाइक कमेंट में ज़रूर बताना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये बाइक का वीडियो शेयर करना, ताकि ये वीडियो सब लोगों तक पहुंच जाए, एंड सब लोग अपनी बाइक को ऐसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर ले जो चाहता है। एंड बाइक की तो बाइक में मेरे हिसाब से लुक आ ही गया स्टैंडर्ड वाला, बाकी ओवरऑल आप लुक इसका देख सकते हो। तो इन्जॉय द वीडियो, एंड आज के लिए बस गाइस इतना ही।
बाकी किसी अच्छी सी वीडियो में और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।